समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ सदर में हम मौजूद हैं और आजमगढ़ में विकास किस तरह से हुआ है उस पर हम चर्चा भी करेंगे। फिलहाल अभी जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव में समाजवादी पार्टी की साइकिल कैसे चलेगी, इसको लेकर जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जहाँ प्रदेश के 403 विधानसभाओं में दावा कर रहे हैं जीत का, वहीं अपने संसदीय क्षेत्र में भी इस बार साइकिल चलाने की पूरी योजना बना चुके हैं। हालांकि उनके लिए एक चुनौती होगा क्योंकि भाजपा सरकार में खासतौर पर योगी सरकार में पहली बार देखा जाए 20 साल के इतिहास में तो पहली बार यहां भारतीय जनता पार्टी के सरकार में चुनाव होने जा रहा है, जबकि इसके पहले सपा बसपा की सरकारों में चुनाव होते थे, लेकिन इस बार का जो 2022 का जो चुनाव होने जा रहा है जो योगी सरकार के दरमियान होने जा रहा है और योगी सरकार में खास तौर पे आजमगढ़ सदर में अखिलेश कितना कामयाब होंगे ये तो वक्त बताएगा। भारतीय जनता पार्टी से कौन उम्मीदवार होगा ये तो भविष्य गर्म है, लेकिन यहाँ से फिर कौन विधायक होगा आइए हम चर्चा करते हैं आपसे संजय राव जी से जो आजमगढ़ के निवासी हैं हमारे बीच में हैं, वो क्या चर्चा करते हैं। इस समय लग रहा है बीजेपी का इस बार साइकिल नहीं कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। आप संजय राव जी का कहना है कि इस बार समाजवादी पार्टी सरकार को चुनौती के रूप में भारतीय जनता पार्टी मैदान में रहेगी और इस बार कमल खिलेगा जैसा इनको कहना है, कब खिलेगा कैसे खिलेगा जो चुनाव तय करेगा। फिलहाल अब तक की खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए बलिया आजमगढ़ से, मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।